भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री इब्राहिम फकर और जिला मंत्री शफी बख्श के नेतृत्व में रविवार दोपहर मोर्चा पदाधिकारियों ने दरगाह बाजार और आसपास के इलाकों से उत्तराखंड त्रासदी पीड़ितों के लिए धन संग्रहित किया। दरगाह बाजार, खादिम मोहल्ला, त्रिपोलिया गेट, अंदरकोट, ढाई दिन का चौपड़ा, नई सड़क आदि इलाकों में रहने वाले लोगों और दुकानदारों से उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा में फंसे तीर्थयात्रियों और वहां रहने वाले ग्रामीणों के लिए धन इकट्ठा किया। सैयद इब्राहिम फकर और शफी बख्श ने बताया कि ऐसी विपत्ति भरे मौके पर जहां पूरे देश भर में तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए धन और सामान भेजा जा रहा है, वहीं भाजपा के द्वारा भी त्रासदी पीड़ितों को आर्थिक सहायता भेजी गई है। वहीं माइनॉरिटी सेल द्वारा भी धन इकट्ठा करने के दायित्व को पूरा कर आपदा राहत कोष में भेजा जा रहा है। उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है और जो मुसीबत में फंसे लोग हैं, हमारे भाई, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, उससे कोई मायने नहीं रखता। इंसानियत के नाते आज हमारे जो हिंदुस्तानी भाई उस उत्तराखंड की त्रासदी में जो वहाँ पे दुर्घटना घटी है और जो अभी जीवित व्यक्ति मुसीबत में फंसे हैं, उनकी राहत के लिए हम यहाँ पर मुस्लिम भाइयों से, सारे दुकानदारों से, सबसे सहयोग राशि के तौर पर हम ये बताना चाहते हैं, जमा करके ये बताना चाहते हैं, सहयोग राशि जमा करके, कि इस दुखद घड़ी में यह मुस्लिम भाई भी सब एक जगह है, एकजुट है और पूरे हिंदुस्तान में हर कोई मुसीबत के वक्त, हर हिंदुस्तानी की पीड़ा है, हर हिंदुस्तानी का दुख है और उस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा अजमेर में जो उत्तराखंड में त्रासदी हुई है उसकी सहायता के लिए, पुनर्वास के लिए यहाँ मोर्चे के कार्यकर्ता धनराशि एकत्रित कर रहे हैं और ये धनराशि एकत्रित करके वहाँ भेजी जाएगी ताकि वहाँ पर जो है विकास हो और वहाँ जो लोग पीड़ित हुए हैं उनको सहायता पहुँचे।